जैतपुर ए के पंडा पुलिस महानिदेशक सहकारिता द्वारा आज अपने दो दिवसीय दौरे के प्रथम दिन रिजर्व पुलिस लाइन निरीक्षण किया गया। वहां उन्होंने क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, मैश बैरिक आवास, ओपन थिएटर आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन सभागार में महानिदेशक द्वारा पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारियों व समस्त थाना प्रभारियों, शाखा प्रभारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। महानिदेशक ने जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, वहां पर भी सब कुछ ठीक ठाक ही पाया गया। शाम 6 बजे डीजी पंडा ने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया और नगर के आमंत्रित संभ्रांत नागरिकों से मुलाकात की, जिसमें महानिदेशक ने जनपद की कानून व्यवस्था की नब्ज टटोलनी चाहिए पर आए आमंत्रित गणमान्यों द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों की प्रशंसा में खूब कसीदे पढ़े। कोतवाली में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के समय खास बात यह रही कि कुछ पीड़ित महिलाओं जो अपनी बात महानिदेशक से कहना चाहती थी, उन्हें कोतवाली परिसर में घुसने ही नहीं दिया गया। उनमें से एक महिला ग्राम प्रधान भी थी। कुछ प्रधानों को आमंत्रित कर बैठक में बुलाना और एक इस नारी सशक्तिकरण के दौरे में एक महिला प्रधान को न मिलने देने और उसे बाहर ही रोक देना कहीं ना कहीं कुछ छिपाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस महानिदेशक के दौरे का प्रथम दिन ऑल इज वेल की स्क्रिप्ट दिखाने तक ही सीमित रहा।